अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक, सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 16 अल्टरनेटिंग करंट में। आज हमने डिस्कस करना है एसी थ्रू एन इंडक्टर। हम आज ये डिस्कस करेंगे कि जब किसी इंडक्टर कॉइल के अक्रॉस अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो वो किस तरह से बिहेव करती है। सो डिटेल डिस्कशन के लिए चलते हैं हम अपने वाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 16 अल्टरनेटिंग करंट में हम आज टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एसी थ्रू एन इंडक्टर। इसके लिए हम सबसे पहले केस स्टडी लिखेंगे और डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखना है, हम एक अल्टरनेटिंग सोर्स जिसके अल्टरनेटिंग वोल्टेज का एक्सप्रेशन Vrms है और जो अल्टरनेटिंग करंट ये सप्लाई कर रहा है उसका एक्सप्रेशन Irms है। जहरी बात है सप्लाई के अंदर ये दोनों इन फेज होते हैं, ये कनेक्टेड है किसके साथ, एक इंडक्टर कॉयल के साथ। इंडक्टर कॉयल की एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल है सोलेनोइड। सोलेनोइड ऐसी जिसकी सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू वेरी लार्ज है। सो जब ये सोलेनोइड या इंडक्टर कॉयल कनेक्ट की जाती है अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ तो इसमें से जो अल्टरनेटिंग करंट पास करता है जो कि Irms है वो IL से डिनोट किया जा रहा है और इसके अक्रॉस जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड है अपेयर हो रहा है वो भी रूट मीन स्क्वायर है और उसे हम VL का सिंबल असाइन कर रहे हैं। इन तमाम बातों को मिला के हमने यहाँ पे एक केस स्टडी डिस्क्राइब कर देना है। लेट से मैं कहता हूं कि यहाँ पे इस सर्कल के अंदर साइन वेव के जरिए से कोई अल्टरनेटिंग सोर्स रिप्रेजेंट किया जा रहा है और यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स वाली कॉयल जिसका एरिया लार्ज है वो मौजूद है जिसकी सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू एल है और ये कनेक्टेड है इस पावर सोर्स के साथ इस तरह से। अगर हम इस पावर सोर्स के साथ एक एसी वोल्ट मीटर अटैच कर दें तो वो यहाँ पे पावर सप्लाई का अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस Vrms मेजर करेगा और अगर हम इस इंडक्टर कॉयल के अक्रॉस एक एसी वोल्ट मीटर कनेक्ट करें तो वो यहाँ पे अपेयर होने वाले Rms वोल्टेजेस की वैल्यू को मेजर करेगा जिसे हम VL का सिंबल असाइन कर रहे हैं। और इसके अलावा जो पावर सप्लाई करंट प्रोवाइड करेगी या जो करंट इस इंडक्टर कॉइल में से पास करेगा उसको मेजर करने के लिए हम इस जगह के ऊपर एक एसी एमीटर भी कनेक्ट कर रहे हैं जो कि रूट मीन स्क्वायर करंट Irms को यहाँ पे मेजर करेगा और सर्किट से फ्लोइंग करंट को डिटेक्ट करने के लिए हम यहाँ बल्ब अटैच्ड भी शो कर सकते हैं। जब बल्ब ग्लो करेगा तो उसका मतलब क्या होगा कि यहाँ से अल्टरनेटिंग करंट पास कर रहा है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कनेक्शन ड्रॉ करना है। अब हम चलते हैं इसकी मैथमेटिकल डिस्कशन की तरफ। तो यहाँ पे हेडिंग लिखते हैं मैथमेटिकल डिस्कशन की। इसमें हम सबसे पहले ये फैक्ट लिखेंगे, फॉर एन इंडक्टर कॉइल The inductive voltage leads inductive current by a phase of 90 degree or pi by 2 radians. So, इस बात को हम तीन तरह से एक्सप्लेन करेंगे। कैपेसिटर
के केस में जैसे हमने किया था, सबसे पहले हम यहाँ पे सब हेडिंग लिख लेते हैं एक्सप्लेनेशन वन की। डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे एक अल्टरनेटिंग सप्लाई रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि कनेक्टेड है किसी इंडक्टर कॉइल के साथ इस तरह से, और इस अल्टरनेटिंग सप्लाई के अक्रॉस हम इस तरीके से एक करंट साइकिल अप्लाई कर रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे टाइम प्लॉटेड है और जो वाई एक्सिस के ऊपर प्लॉट की गई क्वांटिटी है वो है करंट आई। सो डियर स्टूडेंट्स, जब यहाँ पे इस फर्स्ट क्वार्टर के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक ये एंड प्लस और ये एंड माइनस बन रहा होगा, तो इस करंट की स्ट्रेंथ बढ़ रही होगी। इस वजह से ये कॉयल इस प्लस के सामने अपना प्लस और इस नेगेटिव के सामने अपना नेगेटिव बना देगी। जाहिर बात है अगर हम सप्लाई की बात करें तो उसका वोल्टेज भी सेम ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव बने हैं इंडक्टर कॉयल के क्रॉस, ये इंड्यूस्ड वोल्टेजेस हैं, इन्हें हम ई एल के जरिए से डिनोट कर चुके हैं। इस वक्त करंट की वैल्यू क्या होगी? करंट की वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर इंडक्टर कॉयल से जीरो होगी, क्योंकि फिलहाल चेंज बहुत ज्यादा है और इंडक्टर कॉयल इंडक्टिव करंट को अपोज कर रही है। लेकिन इस इंटरवल पे जब चेंज इंस्टेंटली जीरो होगा, तो इस वक्त ये पॉजिटिव और नेगेटिव यहां से खत्म हो जाएंगे और अब इंडक्टिव करंट फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। तो बताएं कौन लीड कर रहा है, इंडक्टिव करंट या इंडक्टिव वोल्टेज? तो हमने यहां पे क्लियरली देखा कि ई एल इज लीडिंग आई एल, और हमने इस ई एल को अपने इस टॉपिक में वी एल डिनोट किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर की अगर हम बात करें तो यहां पे ये क्वार्टर है, इस क्वार्टर पे यहां पे तो कोई ऑपोजिशन मौजूद नहीं है, लेकिन इस आगे चलते हुए बात करें तो ये एंड प्लस ही है, ये एंड माइनस ही है, लेकिन अब इसकी स्ट्रेंथ कम हो रही है और इस वक्त जो सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेजेस हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव यहाँ पे बना रहे हैं। अब हम चलते हैं आगे इस क्वार्टर की तरफ, क्योंकि यहाँ से एक्सप्लेन करना आसान है। अब ये टर्मिनल नेगेटिव और ये पॉजिटिव बन रहा है और इसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेजेस ऐसे बनेंगे कि वो नेगेटिव के सामने नेगेटिव और पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव होंगे। इस इंस्टेंट के ऊपर चूंकि चेंज मैक्सिमम है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव पोल्स भी मैक्सिमम स्ट्रेंथ के होंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम होगी और वो करंट फ्लो नहीं होने देगी। लेकिन इस इंस्टेंट पे जब चेंज जीरो हो जाएगा, ये वैल्यू तो मैक्सिमम हो चुकी है लेकिन अब चेंज जीरो हो गया है, तो इसलिए अब करंट फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। और फिर नेक्स्ट फाइनल क्वार्टर की बात करें यहाँ पे, तो ये एंड नेगेटिव और पॉजिटिव ही है, इनकी स्ट्रेंथ कम हो रही है, इसलिए यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस बनेगा। लेकिन हम इस वोल्टेज लीड को पहले क्वार्टर या फिर थर्ड क्वार्टर से आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये पहली एक्सप्लेनेशन है जो ये बता रही है कि जिस वक्त करंट जीरो होता है लेकिन बढ़ रहा होता है, उसका चेंज मैक्सिमम होता है, तो उस वक्त कॉयल में इंड्यूस्ड ईएमएफ भी मैक्सिमम होती है और वो कॉयल में से करंट फ्लो नहीं होने देती, और जब करंट मैक्सिमम होके इंस्टेंटली कॉन्स्टेंट वैल्यू रखता है तो उस वक्त इंड्यूस्ड ईएमएफ फिर खत्म होती है, फिर करंट फ्लो करता है। इसका मतलब है पहले वोल्टेज मैक्सिमम है, बाद में करंट मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचा है। सो ये हमने एक्सप्लेनेशन नंबर वन कर दी है। अब हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन नंबर टू के ऊपर। जैसे हमने रेजिस्टर के केस में रेजिस्टिव करंट को फाइंड आउट करने के लिए वी आर ओवर आर का रिलेशन यूज किया था, ओम्स लॉ यूज किया था रेजिस्टिव वोल्टेज और रेजिस्टिव करंट को लिंक करने के लिए, और कैपेसिटर के केस में हमने I इज इक्वल टू सी डेल्टा वी बाय डेल्टा टी का एक्सप्रेशन यूज किया था कैपेसिटिव करंट और कैपेसिटिव वोल्टेजेस को लिंक करने के लिए। अब हमने ऐसा ही कोई एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज करना है, किसके लिए? इंडक्टिव करंट और इंडक्टिव वोल्टेज को लिंक करने के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, हम ये बात जानते हैं कि जो एक्सप्रेशन है सेल्फ इंड्यूस्ड EMF का, वो है EL is equal to minus L delta I by delta T. This is expression number one. Since VL is equal to minus EL, so VL is equal to minus of minus L delta I by delta T. या फिर VL is equal to L delta I by delta T, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा।
या आप ये भी कर सकते हैं कि डायरेक्टली इस ई एल को वी एल लिख लें और नेगेटिव साइन हटा दें, यह रेफरेंस देते हुए कि हम यहाँ पर डायरेक्शन से कंसर्न नहीं है कि ई एम एफ की डायरेक्शन ऐसी है कि वो चेंज इन करंट को अपोज कर रही है अपने ही अंदर, ठीक है। सो फिलहाल हमने यहाँ पे जो एक्सप्रेशन यूज करना है वो है वी एल इज इक्वल टू एल डेल्टा आई बाय डेल्टा टी। सो डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम यहाँ पे सेल्फ इंडक्टर्स की लार्ज वैल्यू कंसिडर कर लें 1 हेनरी, तो एक्सप्रेशन बन जाएगा वी एल इज इक्वल टू 1 हेनरी इंटू डेल्टा आई बाय डेल्टा टी। 1 हेनरी ना भी लिखें तो हम एज्यूम कर सकते हैं बगैर लिखे भी कि यहाँ 1 हेनरी मौजूद है, या फिर हम लिख सकते हैं वी एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा आई बाय डेल्टा टी। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस टॉपिक में आई इज इक्वल टू सी डेल्टा वी बाय डेल्टा टी था, जहाँ सी की वैल्यू 1 फैरेड कंसिडर की थी, और ग्राफ किन दो चीज़ों में बनाया था, वोल्टेज ऑन वाई एक्सिस, टाइम ऑन एक्स एक्सिस, और आई चूंकि ग्राफ की स्लोप थी, आई लीड कर रही थी, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते हैं और यहाँ पे वही लॉजिक लिख देंगे, व्हेन एवर अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन अ क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस एंड अदर क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस, देयर स्लोप ऑलवेज लीड्स द क्वांटिटी प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे एक लॉजिक बता दी है कि जब भी दो क्वांटिटीज के दरमियान में ग्राफ बनाया जाता है इस तरीके से कि एक क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे और दूसरी वाई पे हो, तो जो उनकी स्लोप आती है वो वाई एक्सिस पे प्लॉटेड क्वांटिटी को लीड करती है। तो अब हमने यहाँ पे जो पहली क्वांटिटी है जिसको वाई एक्सिस पे प्लॉट करना है वो है करंट। सो हम ये बात जानते हैं कि जो करंट का एक्सप्रेशन है वो है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और पॉइंट वही है कि थीटा ओमेगा टी या फिर 2πft या फिर 2π/t इंटू स्मॉल टी के इक्वल होता है। हमने ग्राफ जो प्लॉट करना है उसमें करंट वाई एक्सिस पे प्लॉट करना है पहले, और एक्स एक्सिस पे टाइम प्लॉट करना है इस तरह से। जबकि प्रीवियस टॉपिक के अंदर हमने क्या किया था, प्रीवियस टॉपिक में हमने आई इज इक्वल टू सी डेल्टा वी बाय डेल्टा टी का एक्सप्रेशन यूज करने की वजह से पहले वोल्टेज बनाया था और उससे करंट निकला था, लेकिन आज हम पहले करंट का ग्राफ प्लॉट करेंगे, उससे वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट होगी। सो अगर यहाँ पे अप्लाइड साइन वेव करंट को प्लॉट कर दिया जाए इस तरह से कि यहाँ तक एक टाइम पीरियड कंप्लीट हो रहा है, मिड पॉइंट के ऊपर टी बाय टू मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है टी बाय फोर, और यहाँ पे मौजूद है 3t/4। सो ये वैल्यू जीरो है, ये वैल्यू है आई नॉट, और ये वैल्यू क्या है, ये है माइनस आई नॉट। अब यहाँ पे वैल्यू जीरो, यहाँ पे मैक्सिमम जीरो, माइनस मैक्सिमम और जीरो है, और इन पॉइंट्स को अगर हम आपस में कंबाइन कर लेते हैं तो इस तरीके से साइन वेव बन जाती है। ब्लैक कलर से रिप्रेजेंटेड लाइन जो है वो करंट को रिप्रेजेंट कर रही है। डियर स्टूडेंट्स, अब अगर मैं यहाँ पे किसी पॉइंट के ऊपर सबसे पहले टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ और फिर यहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, तो जो परपेंडिकुलर लाइन है वो किसके इक्वल है, वो चेंज इन करंट के इक्वल है, और जो बेस वाली लाइन है वो किसके इक्वल है, वो डेल्टा टी के इक्वल है। इस वजह से अगर यहाँ पे ग्राफ की स्लोप फाइंड आउट की जाए तो वो स्लोप या टेंजेंट थीटा या परपेंडिकुलर ओवर बेस डेल्टा आई बाय डेल्टा टी के इक्वल होगी, और डेल्टा आई बाय डेल्टा टी को अगर हम सेल्फ इंडक्टेंस से मल्टीप्लाई कर लें तो यहां पे इंडक्टिव वोल्टेज का एक्सप्रेशन आ जाएगा। सो ये जो स्लोप है ये प्रोपोर्शनल है किसके, वी एल के। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे स्लोप मैक्सिमम है इसलिए यहां पे इंडक्टिव वोल्टेज मैक्सिमम होगा,
यहाँ पे स्लोप मिनिमम या जीरो है, इसलिए इंडक्टिव वोल्टेज भी जीरो होगा। और उसके बाद यहाँ पे स्लोप नेगेटिव मैक्सिमम है, सो इस पॉइंट के ऊपर इंडक्टिव वोल्टेज भी नेगेटिव मैक्सिमम होंगे। यहाँ स्लोप फिर इंस्टेंटली जीरो है, इंडक्टिव वोल्टेजेस जीरो होंगे। यहाँ पे स्लोप फिर पॉजिटिव मैक्सिमम है, तो इंडक्टिव वोल्टेजेस भी पॉजिटिव मैक्सिमम पे होंगे। इन पॉइंट्स को मिला दें तो यहाँ पे जो वेव बनती है वो अगेन इस तरह की बनती है। सो ये जो पर्पल कलर से रिप्रेजेंटेड ग्राफ है, ये किसका है? ये इंडक्टिव वोल्टेजेस का ग्राफ है। और हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे इंडक्टिव वोल्टेजेस इंडक्टिव करंट को लीड कर रहे हैं। सो फेज डायग्राम्स ड्रॉ कर रहे हैं हम पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 के ऊपर। डियर स्टूडेंट्स, जरा पॉइंट नंबर 1 पे देखिए, इस वक्त करंट का इंस्टेंटेनियस फेज जीरो है। सो ये है आई एल, इंडक्टिव रूट मीन स्क्वायर करंट, जिसकी लेंथ स्केल के मुताबिक रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को बता रही है। और जो वोल्टेज की वैल्यू है पर्पल कलर्ड लाइन से रिप्रेजेंटेड, वो इस पॉइंट के ऊपर कहाँ पे है? 90 के ऊपर मौजूद है। इसलिए जो पर्पल कलर लाइन है जो कि वोल्टेज इसको बता रही है, ये वी एल है। और अब ये वी एल इंस्टेंटेनियस वैल्यू नहीं है, ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। और एल की वैल्यू 1 होने की वजह से इनकी वैल्यूज बराबर हैं। पॉइंट नंबर 2 पे देखिए, जो ब्लैक कलर लाइन है वो 90 से गुजर रही है। सो इसका मतलब हुआ कि आई एल कहाँ पे होगा? आई एल होगा 90 डिग्री के ऊपर मौजूद। और वी एल कहाँ पे है? वी एल 180 से पास कर रहा है। इसलिए एक्सप्रेशन इस तरह से आएगा कि ये है वी एल। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 पे ब्लैक कलर लाइन 180 के ऊपर मौजूद है, तो ये है आई एल। और वी एल कहाँ मौजूद है? वी एल मौजूद है 270 के ऊपर, तो ये वेक्टर बनेगा जो वी एल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और उसके बाद पॉइंट नंबर 4 पे आए, पॉइंट नंबर 4 के ऊपर जो करंट है वो 270 पे मौजूद है, सो ये होगा आई एल। और जो वी एल है वो कहाँ पे मौजूद है? वो 360 के ऊपर मौजूद है, सो ये बन जाएगा वी एल। आगे फिर वही स्टार्टिंग पॉइंट आ जाएगा कि जो ब्लैक कलर लाइन है वो 360 डिग्री या फिर जीरो के ऊपर आ जाएगी, और जो पर्पल कलर लाइन है वो 450 या 90 डिग्री के ऊपर आ जाएगी। तो वी एल यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ किया जाएगा। अब इन तमाम डायग्राम्स में देख लें कितना फेज डिफरेंस है 90 डिग्री का। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं द इंडक्टिव वोल्टेज वी एल लीड्स इंडक्टिव करंट आई एल बाय अ फेज ऑफ 90 डिग्री और पाई बाय 2 रेडियंस। या फिर हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि द इंडक्टिव करंट लैग्स बिहाइंड द इंडक्टिव वोल्टेज बाय अ फेज ऑफ 90 डिग्री और पाई बाय 2 रेडियंस। अब हम डिस्कस करते हैं इस डायग्राम के अंदर इंस्टेंटेनियस पावर डिसिपेशन के एक्सप्रेशंस की। सो हेडिंग लिख देते हैं इंस्टेंटेनियस पावर डिसिपेशन। क्या एक्सप्रेशन होगा? पी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू वी इंस्टेंटेनियस आई इंस्टेंटेनियस। तो इस एक्सप्रेशन को व्यू में रखते हुए हम इंटरवल 1 से 2, फिर 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5 के ऊपर हम ये देख लेते हैं कि इंस्टेंटेनियस पावर डिसिपेशन क्या है। पहले इंटरवल में देखिए कि जो करंट की वैल्यू है वो पॉजिटिव है और जो वोल्टेज की वैल्यू है वो भी पॉजिटिव है। इसका मतलब है अगर वी भी पॉजिटिव होगा और आई भी पॉजिटिव होगा तो नतीजा होगा कि पावर का एक्सप्रेशन भी पॉजिटिव ही आएगा। नेक्स्ट इंटरवल में देखिए कि ये जो करंट का एक्सप्रेशन है ये पॉजिटिव है, लेकिन जो वोल्टेज का एक्सप्रेशन है ये नेगेटिव है। इसका मतलब है अगर वी नेगेटिव है
और करंट पॉजिटिव है तो पावर का एक्सप्रेशन क्या आएगा, वो आएगा नेगेटिव। नेक्स्ट इंटरवल में जो करंट है उसकी वैल्यू नेगेटिव है और वोल्टेज की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि अगर V नेगेटिव हो और I भी नेगेटिव हो तो इसका मतलब है P का एक्सप्रेशन पॉजिटिव में आएगा। फिर नेक्स्ट ये कि अगर करंट नेगेटिव और पोटेंशियल डिफरेंस V पॉजिटिव हो तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे जो पावर का आंसर है तब भी नेगेटिव ही आएगा। तो इस पावर के नेगेटिव या पॉजिटिव होने से क्या मुराद है, इससे ये मुराद है कि जब ये फर्स्ट क्वार्टर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट आएगा, अगर मैं करंट को दोबारा यहाँ ड्रॉ कर लूँ कि लेट्स से ये करंट है, तो इस फर्स्ट क्वार्टर में ये एंड प्लस है, ये एंड माइनस है और यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो चुकी है जिसकी वजह से करंट को अपोज किया जा रहा है, लेकिन पावर सप्लाई यहाँ पे अपनी एनर्जी प्रोवाइड करती है और इस इंटरवल में पावर प्रोवाइड करती है इस इंडक्टर को ताकि उसकी ऑपोजिशन को ओवरकम किया जा सके। फिर नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर क्या होता है, ये एंड प्लस ही होता है, ये माइनस ही होता है, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ कम हो रही होती है, तो इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर नेगेटिव और पॉजिटिव बना के अब इंडक्टर करंट सप्लाई करता है। नेक्स्ट क्वार्टर की बात करते हैं, इस क्वार्टर के अंदर ये एंड नेगेटिव, ये पॉजिटिव होता है और इनकी स्ट्रेंथ बढ़ रही होती है, सो नेगेटिव के सामने नेगेटिव और पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव बनता है, इंडक्टर अपने अंदर से करंट फ्लो होने को अपोज कर रहा होता है। सो अब पावर सप्लाई क्या करती है, पावर सप्लाई अगेन पावर सप्लाई करती है, इस ऑपोजिशन को ओवरकम करती है और एक कांस्टेंट करंट इस इंटरवल के ऊपर मेंटेन कर देती है जब करंट इंस्टेंटली कांस्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वार्टर, फाइनल क्वार्टर की बात करते हैं इस वाले की, इसमें ये एंड नेगेटिव और ये एंड पॉजिटिव ही होता है लेकिन स्ट्रेंथ कम हो रही होती है, इस वजह से नेगेटिव के सामने पॉजिटिव और पॉजिटिव के सामने नेगेटिव बनता है, तो अब जो क्वाइल है वो करंट फ्लो करवाती है, वो पावर रिटर्न कर देती है। सो एक इंटरवल में पावर सप्लाई से इंडक्टर क्वाइल ने पावर ली, नेक्स्ट क्वार्टर में वापस कर दी, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में पावर ली, फिर वापस कर दी। इसका मतलब है कि एवरेज पावर डिसिपेशन क्या हुई ओवर द साइकिल, वो हुई जीरो। सो इसलिए नेक्स्ट हेडिंग हमारी बनेगी एवरेज पावर डिसिपेशन की डिस्कशन से पहले हम यहाँ पे पावर फैक्टर की हेडिंग लिखते हैं। पावर फैक्टर होता है कॉस थीटा और थीटा यहाँ पे फेज डिफरेंस है, इसलिए कॉस 90 डिग्री या फिर पाई बाय 2 रेडियन पुट करेंगे आप, आंसर आएगा जीरो। इस वजह से जो एक्सप्रेशन बनेगा एवरेज पावर डिसिपेशन का, वो तीन तरह से बनेगा, जैसे कि हम प्रीवियस टॉपिक्स में लिखते आए हैं कि जो एवरेज पावर डिसिपेशन है उसका एक्सप्रेशन वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस ऑफ थीटा होता है, और अगर करंट प्रोवाइडेड है तो वो एक्सप्रेशन आई आर एम एस स्क्वेयर इंटू आर कॉस थीटा रेजिस्टेंस के केस में लिखा गया था, और अगर हम वोल्टेज का केस देखें तो वी आर एम एस स्क्वेयर ओवर आर इंटू कॉस ऑफ थीटा से हम ये वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ये केस तो रेजिस्टर्स के लिए था, फिलहाल हमारे पास इंडक्टर है और इंडक्टर में जो रेजिस्टेंस की जगह पे एक्सप्रेशन आता है वो एक्स एल होता है और इसका नाम इंडक्टिव रिएक्टेंस है। नेक्स्ट हेडिंग हम इसकी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हम ये बताते चलें कि यहाँ पे पावर फैक्टर के ज़ीरो होने की वजह से तीनों एक्सप्रेशंस ज़ीरो में तब्दील हो जाएंगे। इसका मतलब है कि अगर आप किसी सर्किट में करंट को ब्लॉक करवाने या फिर वोल्टेज को ड्रॉप करवाने के लिए इंडक्टर कॉयल लगाते हो, जैसे कि ट्यूबलाइट्स में होता है, चौक कॉयल लगी होती है वो इंडक्टर कॉयल होती है, तो वो करंट को ब्लॉक कर देती है, कम कर देती है, वोल्टेज ड्रॉप करवा देती है, इस दौरान उसका अपना पावर फैक्टर जीरो होता है, इसलिए वो कोई पावर ओवर द साइकिल ड्रॉ नहीं करती पावर सप्लाई से और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में, इलेक्ट्रिसिटी बिल में अपना कोई हिस्सा नहीं लेती। जैसे कि हमने प्रीवियसली पढ़ा था कि रजिस्टर में पावर फैक्टर 1 था, तो रजिस्टर करंट ब्लॉक करेगा या वोल्टेज ड्रॉप करवाएगा तो उसका अपना बिल आएगा, वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, हीटिंग इफेक्ट आएगा। लेकिन कोई प्योर कैपेसिटर हो या कोई प्योर इंडक्टर हो तो चूंकि दोनों के पावर फैक्टर जीरो हैं, सो इस वजह से कोई एवरेज पावर डिसिपेशन नहीं होती दोनों के अंदर, तो इस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं करते, वो अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो जनरेट नहीं करते, इस वजह से ऑल्टरनेटिंग करंट को ब्लॉक करवाने और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को ड्रॉप करवाने के लिए कैपेसिटर्स और इंडक्टर यूज होते हैं। कैपेसिटर के अंदर करंट लीड करता है और इंडक्टर के अंदर वोल्टेज लीड कर रहा होता है। अब हम यहाँ पे डिस्कशन में ये जो फैक्टर रेड कलर से लिखा है इसको डिस्कस कर देते हैं। ये फैक्टर क्या है, इट इज इंडक्टिव
रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस को हमने डिस्क्राइब करना है कि ये क्या होती है। जैसे कि रेजिस्टर के केस में किसी रेजिस्टर के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं और उसमें से करंट आई फ्लो करता है, और इस दौरान जो चार्ज कैरियर्स आ रहे होते हैं पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन में, या इलेक्ट्रॉन्स उसके ऑपोजिट आ रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो वाइब्रेटिंग एटम्स के इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं। टकराने के दौरान उनको एक्साइट करते हैं, इससे मेटल या रेजिस्टर का टेम्परेचर हाई हो जाता है और वो जब वापस गिरता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की सूरत में भी हीट एनर्जी इमिट करता है। सो रेजिस्टेंस क्या है, ऑपोजिशन इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू कोलिजन ऑफ मूविंग चार्जेस विद वाइब्रेटिंग एटम्स इज कॉल्ड रेजिस्टेंस एंड इट इज इक्वल टू वी ओवर आई। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के केस में हमने वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस लिखा था। इसके अलावा कैपेसिटर के केस में क्या था कि जब हम कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस कोई ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इसकी प्लेट्स में रास्ता नहीं है, जिसकी वजह से ये फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटेंस डिपेंडेंट रिएक्टेंस एक्स ही शो करती है, जिसका एक्सप्रेशन वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस ही होता है। लेकिन ये ऑपोजिशन ड्यू टू नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है। अब हम इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है, इट इज ऑल्सो ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर कॉइल फॉर द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट ड्यू टू ऑपोजिशन इंड्यूस्ड ईएमएफ। दैट मीन्स जब हम किसी क्वाइल को अल्टरनेटिंग वोल्टेज के सामने कनेक्ट करते हैं तो जब ये प्लस बढ़ा होता है, ये माइनस बढ़ा होता है, तो उसके सामने इंडक्टर क्वाइल अपना पॉजिटिव और नेगेटिव इंड्यूस कर देता है। इस वजह से ये ऑपोजिशन है। और इसका एक्सप्रेशन भी प्रीवियस एक्सप्रेशन की तरह एक्स एल इज इक्वल टू वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस ही है। जैसे प्रीवियस केसेस में रेजिस्टेंस के लिए और कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए ये एक्सप्रेशन हमने लिखा था, सेम वैसे ही अब हम ये एक्सप्रेशन लिख रहे हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए। R, XC, XL सभी के यूनिट्स ओहम्स में होते हैं। सो इसका जो फाइनल एक्सप्रेशन हम यहाँ पे लिखेंगे वो होगा XL इज इक्वल टू 2 पाई FL, और चूंकि ओमेगा 2 पाई FL के इक्वल होता है इसलिए हम XL को ओमेगा L भी लिख सकते हैं। ये एक्सप्रेशन 6A है और ये एक्सप्रेशन 6B है। अब इसकी भी रिवर्स डेरिवेशन करना आसान है। हम ये बात जानते हैं कि चूंकि डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ, जबकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी। दोनों केसेस में हम एक में एल को और दूसरे में सी को कॉन्स्टेंट रख के बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज हो जाए, दैट मीन्स डीसी अप्लाइड हो, तो इसका मतलब है कि एक्स एल जीरो हो जाएगा, क्योंकि कोई चेंज नहीं आना तो इंडक्टर कॉइल अपोज किसे करे। लेकिन यहां पे एक्स सी 1/0, दैट मींस इंफिनिटी के इक्वल आ जाएगा, दैट मींस कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस डीसी फ्लो नहीं करता, उसके लिए ऑपोजिशन कैपेसिटर की इंफिनिटी है लेकिन इंडक्टर कॉइल से डीसी फ्लो कर जाएगा। अब हम बात करते हैं एक आइडियल एसी की। आइडियल एसी के अंदर फ्रीक्वेंसी को हम एक लम्हे के लिए इन्फिनिटी कंसीडर कर लेते हैं, जो जाहरी बात है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि एक्स एल तो इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि इंडक्टर कॉयल चेंज को ही अपोज करती है, तो इस वजह से वो इस चेंज को सबसे ज़्यादा अपोज करेगी और बिल्कुल करंट इन्फिनिटी हर्ट्स का फ्लो नहीं होने देगी। लेकिन एक्स सी की बात करें तो जब उसके एक्सप्रेशन में 1/∞ आएगा तो जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो जीरो हो जाएगी। कैपेसिटर के अक्रॉस चूँकि क्या होना होता है, चार्जेस ने ऑसिलेट ही करना होता है, तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हाई होगी उतना ज़्यादा वाइब्रेशन आसान होगी, और जितनी फ्रीक्वेंसी कम होती है उतनी ही चूंकि चार्जेस को स्टोर करने के लिए थोड़ा सा टाइम गुजारना पड़ता है कैपेसिटर की, उतना ही चार्जेस को स्टोर होते हुए थोड़ा टाइम कैपेसिटर प्लेट्स पर गुजारना पड़ता है, इसलिए उतनी ही ऑपोजिशन ज़्यादा होती है। तो भाई फ्रीक्वेंसी का इंडक्टिव रिएक्टेंस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, जबकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस के साथ प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था कि इसका इनवर्स रिलेशन है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने
ये डिटेल डिस्कशन की कि जब किसी इंडक्टर के अक्रॉस ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है या फिर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड होता है तो वो किस तरह से बिहेव करता है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।